तो चलिए गाइस देखते हैं फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट क्या होता है। ये जो है वो हम जो कंबस्टिबल लिक्विड होते हैं उनके लिए जो है फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट जो है वो निकालते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया है, ठीक है। अब इस बीकर में हमने एक फ्लेमेबल लिक्विड लिया है, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट समझ लीजिए एक्चुअल में क्या है। और हम जो है इस कोई भी ऑयल लिया, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, कुछ भी लिया है और इसको जो है वो हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ दिक्कत की बात। और यहाँ पर मैंने एक टेम्परेचर निकाला है। अब क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता 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 जाएगा, तो जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ता जाएगा। वेपर प्रेशर जो बढ़ेगा यानी क्या होगा, इसका कन्वर्शन, ये जो लिक्विड है इसका कन्वर्शन स्टार्ट होगा वेपर में। अब देखिए यहां पे मान के चलो कि 27 डिग्री सेल्सियस जो है वो है अभी, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस है और ये जो लिक्विड है इसका कन्वर्शन वेपर में हो गया। अब वेपर में हो गया, इसके बाद क्या हुआ, ये जो वेपर है ये एयर के साथ जो है वो मिक्स होके एक फ्लेमेबल मिक्सचर बना देती है। इसका कन्वर्जन हो गया वेपर और ये वेपर जो है वो एयर के साथ मिक्स होके एक फ्लेमेबल मिक्सचर बनाती है। और इसके बाद अगर आपने मैच स्टिक्स या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से यहां पे आग लगाने की कोशिश की तो आग लगती है, आग लगती है पर 2-4 सेकंड के बाद वो बुझ जाती है। यानी सिर्फ ऐसा फ्लैश चमकता है, आग ऐसी होती है। आपने बहुत बार वो जो चाइनीज वाले होते हैं वो ऐसे देखा होगा आपने कि फ्लैश ऐसी चमकती है और बुझ जाती है, उसी प्रकार गाइस होता क्या है कि फ्लैश चमकती और बुझ जाती है। ये जो मिक्सचर है फ्लेमेबल मिक्सचर, ये थोड़ा होता है, ज्यादा नहीं होता, इसी वजह से फ्लैश लगती है और फिर से बुझ जाती है, और वो मिनिमम टेम्परेचर पे। देखिए यहां पे 27 डिग्री सेल्सियस पे ये सब कुछ हो रहा है, 26 डिग्री सेल्सियस पे हमने आग लगा के देखा तो ऐसी कुछ फ्लैश नजर नहीं आई। 28 डिग्री सेल्सियस पे भी हुआ, 26.8 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं हुआ। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे हुआ तो 28 डिग्री सेल्सियस पे भी होगा, पर मिनिमम टेम्परेचर, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे ये फ्लैश चमकती है, हम पूरी डेफिनेशन देखेंगे, कंसेप्ट समझ लीजिए कि जो फ्लैश चमकता है यानी फायर लगती है और बुझ जाती है, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम कहते हैं गाइस फ्लैश पॉइंट, ठीक है, उस फ्लेमेबल लिक्विड का। फायर पॉइंट क्या कहते हैं, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो हीट कर रहे हैं तो हीट करते करते ये 27 डिग्री सेल्सियस फायर पॉइंट जो होता है 5-10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है जनरली फ्लैश पॉइंट से। अब ये और टेम्परेचर जो है वो बढ़ते 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 गया, मान के चलो 35 डिग्री सेल्सियस पे गया। अब 35 डिग्री सेल्सियस पे हम जो है वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी फ्लैश नहीं चमक रहा है, अभी क्या हो रहा है, कंटिन्यू जो है ये जो सर्फेस है फ्यूल का, यहाँ पे कंटिन्यू जो है वो फायर चल रही है, कंटिन्यू फायर। 34.9 डिग्री सेल्सियस पे ये कंटिन्यू फायर नहीं हो रहा था, 35 डिग्री सेल्सियस पे ये कंटिन्यू फायर हो रहा है, यानी कंटिन्यू आग जो है वो अब जल रही है। तो वो जो पॉइंट है, वो जो मिनिमम टेम्परेचर है 35 को हो रहा है तो 36 डिग्री सेल्सियस पे भी होगा, पर हम कौन सा टेम्परेचर लेते हैं, हम वो मिनिमम टेम्परेचर लेते हैं जिस पे कंटिन्यू फायर जो है वो यहां पे अपीयर हो रही, हमें दिख रही है, उसको गाइज हम कहते हैं फायर पॉइंट। देखिए अब हम डेफिनेशन देखेंगे फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट की। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर, ऐसा कम टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा था कि 27 डिग्री सेल्सियस कम से कम टेम्परेचर एट विच फ्लेमेबल लिक्विड, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पे ये जो फ्लेमेबल लिक्विड्स है गिव सफिशिएंट फ्लेमेबल वेपर, जो हमें सफिशिएंट फ्लेमेबल वेपर दे रहा है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इफ वी इंट्रोड्यूस अ मैचस्टिक फ्लेम, इस पॉइंट पे अगर हमने मैचस्टिक फ्लेम या कोई भी एक्सटर्नल फायर लगाने की कोशिश की ओवर दिस सर्फेस ऑफ फ्यूल, तो इस सर्फेस के फ्यूल पे अगर हमने आग लगाने की कोशिश की तो फ्लैश अपीयर, तो हमें फ्लैश दिखता है, तो वो मिनिमम टेम्परेचर को हम कहते हैं गाइस फ्लैश पॉइंट। और फायर पॉइंट में यही डेफिनेशन हम रखते हैं, सिर्फ लास्ट वाला जो फ्लैश पॉइंट है उसे चेंज करके कंटिन्यूअस फायर अपीयर जो है वो लिखते हैं। देखिए कैसे, फायर पॉइंट यानी हम क्या बोलते हैं, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच फ्लेमेबल लिक्विड गिव सफिशिएंट फ्लेमेबल वेपर, दिस पॉइंट इफ वी इंट्रोड्यूस अ मैचस्टिक फ्लेम, अगर हमने वहां पर जलाया ओवर द सर्फेस ऑफ फ्यूल, कंटिन्यूअस फायर अपीयर, तो फायर पॉइंट में क्या होगा, कंटिन्यूअस फायर जो है वो अपीयर होगी उस मिनिमम टेम्परेचर पे, जैसे मैंने कहा था कि ये 35 डिग्री सेल्सियस पे कंटिन्यूअस फायर लगती है तो ये हो गया हमारा फायर पॉइंट, और 27 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ फ्लैश होता है तो वो हो गया हमारा फ्लैश पॉइंट। तो ये गाइस फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए साइंस के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए